टेम्परेरी फौजी कभी आपने सुना है? क्या आपने कभी ऐसी फौज की कल्पना की है? वो फौजी तो होंगे मगर उनका कोई रैंक नहीं होगा। आज हमारी ये रिपोर्ट, अगर आप वाकई में राष्ट्रभक्ति का जिक्र करते हैं तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा और समझिएगा उन सवालों को जो आज युवा पूछ रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। ट्विटर पर अग्निवीर के नाम से हैशटैग चलाए जा रहे हैं जिसमें लाखों युवा सरकार के फैसले पर अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। कुछ जगह विरोध की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपने सुना होगा, नहीं सुना, कि सांसद विधायक तो 5 साल के लिए चुने जाते हैं मगर सैनिक सिर्फ और सिर्फ क्या 4 साल के लिए चुने जाएंगे? मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले आपको लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया का एक बयान पढ़कर सुनाना चाहूंगा जिसमें वो बताते हैं कि फौज में रहते हुए उन्होंने सैकड़ों मर्तबा जोखिम लिया। वो कई बार जोखिम ले चुके हैं लेकिन अग्निवीर जैसे जोखिम वो खुद कभी नहीं लेना चाहेंगे, खास तौर पर तब जब आपके पास आपके पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे हों। कोई पूर्व अफसर तो कोई नेता इसका विरोध कर रहा है और नेता भी बीजेपी का। बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का ट्वीट भी देखिए जिसमें वो अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं इस फैसले को लेकर। वरुण गांधी क्या लिखते हैं? वरुण गांधी लिखते हैं कि सरकार भी 5 साल के लिए चुनी जाती है, फिर युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए ही देश सेवा करने का मौका क्यों? सर 4 साल हम जॉब करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? पढ़ाई मेरा 4 साल से रिश्ता टूट जाएगा, पढ़ने में भी हम उसका भी नहीं लेंगे जो इस समय है, और उसके बाद आने के बाद हम कहीं जा नहीं सकते, कोई जॉब मिलने में बहुत कठिनाई होगा। चलिए पहले अब ये भी समझ लीजिए कि आखिरकार अग्निवीर योजना है क्या जिसका सरकार जिक्र कर रही है और युवा विरोध। भारतीय सेना की तीनों शाखाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई। इस स्कीम का नाम अग्निपथ दिया गया जिसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी देने के बाद केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुख तक इस नई योजना की तारीफ कर चुके हैं। वैसे ये सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है और देश भी जानना चाहता है कि इस स्कीम के तहत भर्ती पाने वाले युवा जब 4 साल की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेंगे तो फिर उसके बाद उनके भविष्य का क्या होगा? जो मनोबल पहले था वो मनोबल नहीं है अभी। मनोबल इसलिए नहीं है कि पहले इनका था मोटो कि कम से कम हम अपना 17 साल नौकरी करेंगे और प्रमोशन अगर मिलेगा तो आगे करेंगे, यानी पूरा नौकरी करके आएंगे आर्मी का। एक जोश था, एक जुनून था, लेकिन जो अभी अग्निपथ वाला चल रहा है उसमें ये 4 साल को लेकर निराश हैं क्योंकि 4 साल के लिए नहीं जा रहे थे आर्मी में, ये जा रहे थे अपना एक अपना रोजगार के लिए और देश सेवा के लिए, दोनों ही भावना एक साथ था, लेकिन अभी 4 साल का है तो देश सेवा 4 साल में तो हो नहीं सकता। चलिए अब मैं बात पे स्लैब की करता हूँ। पे स्लैब आपके सामने। पहले साल 30,000 वेतन मिलेगा इन हैंड, 21,000 और सैलरी से कट जाएगा, कितना? 9,000, और हर महीने सरकार 9,000 जमा करेगी सेवानिधि में। दूसरे साल 33,000, हाथ में आएंगे 23,100 रुपए, 9,900 रुपए कटेंगे, इतना ही नहीं सेवानिधि में ये जाएंगे। अब तीसरे साल का आंकड़ा भी देखिए कितने मिलेंगे, 36,500 इन हैं मिलेंगे आपको 25,580 रुपए, 10,950 रुपए सेवानिधि में जमा हो जाएंगे। चौथे साल भी कुछ ऐसे ही सैलरी स्लैब आपके सामने, जहां पर 40,000 इन हैंड मिलेंगे, 28,000, 12,000 सेवानिधि में, और 4 साल की सेवानिधि के बाद अग्निवीर को 11,71,000 एक मुश्त सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। मगर सवाल ये, इसके बाद क्या होगा? उदाहरण के तौर पर अभी तक शिक्षा मित्र, मनरेगा रोजगार सेवक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत सहायक, ठेके के संविदा कर्मियों से सरकारी योजनाएं चलवाई जा रही। अब युवा ये पूछ रहे हैं कि क्या
भारतीय सेना में भी महज 4 साल के लिए ठेके पर सैनिक तैनात किए जाएंगे। सैनिक तैनात करने का फरमान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या घातक सिद्ध नहीं होगा? मेरी बात यूट्यूब पर एक बार फिर से जाकर सुनिएगा, जो देश के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन सकता है। और हां, सवाल यह भी कि क्या यह प्रयोग जायज है, यह सवाल आज युवा पूछ रहे हैं। इसमें गारंटी देना चाहिए कि 80% एम्प्लॉय का क्या होगा नेक्स्ट 4 ईयर के बाद, उनका कोई गारंटी होना चाहिए कि आगे किसी फील्ड में जॉब सिक्योर होना चाहिए। और एयरफोर्स के बारे में कहना चाहते हैं कि उसमें जितनी भी वैकेंसी आने वाली है सब टूर ऑफ ड्यूटी से आएगी, तो पिछला वैकेंसी का क्या होगा? मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं दिया है, रिजल्ट अभी नहीं दिया, उसका कोई अपडेट देना चाहिए सर। अग्निवीरों का 4 साल बाद क्या होगा? सेना की परंपरा से खिलवाड़ क्या वाकई मोदी सरकार कर रही है? क्योंकि 18 साल की उम्र में भर्ती, 22 साल की उम्र में रिटायरमेंट, आप इसे अग्निवीर कहेंगे? क्योंकि 17.5 साल से 21 साल के युवा सेना में 4 साल के लिए भर्ती हो सकते हैं, बाद में ओवरएज होकर क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन गर्व से कहिए कि आप कहलाएंगे अग्निवीर। अब ना कहिएगा कि मोदी सरकार में सरकारी नौकरी नहीं मिलती, मिलती है, वो भी सरकारी, अग्निवीर के नाम पर। मैं संदीप फौजी बुद्रवास रामगढ़ शेखावाटी सीकर का रहने वाला हूं। मैंने आर्म फोर्सेस में 6 साल सर्विस की है, भारत की सेवा की है। दोस्तों, पिछले 3 साल से सरकार जो देश की सेवा करना चाहते हैं उन बच्चों के लिए जो भर्तियां आनी थी उन्हें रोक रखा है, और उस भर्तियों को जिनका फिजिकल हो चुका है उनकी ना तो एग्जाम हुई भी है और ना ही नई भर्तियां निकाली जा रही हैं। 1,04,000 से ज्यादा पद खाली हैं, और इसी बीच में जहां सरकार से देश का युवा अपनी भर्तियों की गुहार लगा रहा था, बार बार प्रोटेस्ट कर रहा था, वहीं सरकार ने इन भर्तियों को नजरअंदाज करके टीओडी जैसी योजना शुरू कर दी है, जिसका मैं आपको बताऊं, यह टीओडी जैसी योजना अगर शुरू की जाती है तो देश की आंतरिक सुरक्षा का यह गंभीर मुद्दा है, देश की सुरक्षा खतरे में है अगर ऐसा होता है तो। इस सुरक्षा के साथ साथ में जो आर्मी का एक वसूल है, नाम नमक और निशान जैसी परंपराएं खत्म हो जाएंगी, और देश के युवाओं में जो देशभक्ति की भावनाएं, जोश और जुनून होता है देश की सेवा के लिए, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 15 साल की तपस्या और उसमें देशभक्ति की भावना भरने के बाद में उसे मात्र 4 साल के बाद सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। इससे देश के युवाओं का भविष्य खतरे में है, उन्हें इस जवानी की उम्र में अगर हथियारों का ज्ञान देकर के बाहर बेरोजगारी में धकेल दिया जाएगा तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि वो युवा किस गलत रास्ते पे भी भटक सकते हैं। मैं इसमें एक और अध्याय जोड़ना चाहूंगा कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के अंदर हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि 2 से 3 वर्ष का आयु सीमा के अंदर रिलैक्सेशन सभी स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए, और कोविड की वजह से सभी स्टूडेंट्स को नुकसान हुआ, और इस आवाज को सभी लोग उठाएं। धन्यवाद। बात कड़वी है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि 15 साल की सेवा के बाद जब रेगुलर सैनिक भी लौटते हैं तो उसमें से ज्यादातर गार्ड या बैंक के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर पाते हैं? ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले इन युवाओं का क्या होगा? सवाल एक और भी है, और वो ये कि 55,000 से ज्यादा हाई स्किल्ड जवान 3 सेनाओं के रिटायर होते हैं। इनमें से रिटायरमेंट के बाद 1 या 2% जी 1 या 2% ही नौकरी पा पाते हैं। ऐसे में अग्निवीरों को किस तरीके से नौकरी मिलेगी ये सरकार अभी तक नहीं समझा पाई है। वैसे भी सेना का सपना संजोए गांव गांव के लड़के सुबह शाम पसीना बहाते हैं, उनके साथ 4 साल का अग्निवीर वाला क्या ये मजाक है या फिर सरकार इसको लेकर सीरियस है? 4 साल की नौकरी के बाद ना पेंशन, ना मिलिट्री अस्पताल और ना ही कैंटीन की सुविधा। विज्ञापन ऐसा चमकीला जैसे कि पायलट बनाने जा रहे हैं। राष्ट्र सर्वोपरि, देश ही हो जिसकी पहचान। हर
खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब एमएलए एमपी को 2 साल के लिए नियुक्त किया जाए, उसके बाद रिटायरमेंट दे दी जाए तो क्या होगा, और फिर पेंशन भी बंद कर दी जाए तो क्या होगा। हां, इन मंत्रियों को सदन वीर आप कह सकते हैं, सदन वीर कहा जाए तो बहुत अच्छा होगा, जैसे कि अग्निवीर वैसे ही सदन वीर। ट्वीट पर ट्वीट हो रहे हैं, पीएम मोदी को टैग करके ट्वीट हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और क्या एक दिन सेना को भी निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। युवाओं के मन में शंका है कि अब तीनों सेनाओं की भर्ती संविदा पर होगी, 4 साल बाद कंफर्म होंगे तो बनेंगे अग्निवीर, बस इसके बाद अश्वधामा अमर हो जाएगा। अब ठेके पर देश प्रेम और सेना का कार्यभार होगा। युवा हैं, बैठे हैं बेकार, अब 4 साल खून बहाओ और फिर कहलाओगे आप बेरोजगार। अब वीर जवानों की नौकरी सिर्फ 4 साल, जबकि सेना की नौकरी देशभक्त देश जज्बे की नौकरी है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि युवाओं के लिए रोजगार और सेनाओं के सशक्तिकरण के लिए यह फैसला मील का पत्थर साबित होगा। यानी कुल मिलाकर देश ही धर्म है, देश ही जाति है, देश ही तुम्हारी पहचान है। चलो अग्निवीर, तुम अग्निपथ पर चलते चलो, देश की सुरक्षा की कमान अब तुम्हारे हाथ है, राष्ट्र सेवा से अब तुम तराशे जाओगे अपने उज्जवल भविष्य की बुनियाद। सब मिलकर बोलो जय हिंद जय भारत।